गगनचुंबी इमारतें, वर्ल्ड क्लास होटल्स और रेस्टोरेंट्स, मैनमेड आइलैंड्स, अनफॉरगेटेबल नाइट लाइफ और अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल से भरे दुबई शहर को हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है। सोशल मीडिया पर इस पिक्चर परफेक्ट शहर को देखकर लगता है कि भैया इससे बेहतर कोई और शहर हो ही नहीं सकता। दोस्तों, दुबई यूएई के 7 शहरों में से एक है और इस कंट्री का सबसे अमीर शहर भी है। ऑयल रिच कंट्री होने के बावजूद आज यूएई दुनिया की टॉप डेट कंट्रीज का हिस्सा बन चुकी है। माने अब यूएई भी उदारी की जिंदगी जी रहा है। गोल्ड और ऑयल बिजनेस में बादशाह होने के बावजूद यूएई कर्ज में डूबा हुआ है और इसकी वजह साफ है, यूएई के कम इनकम सोर्सेज और बेहद महंगे शौक। दोस्तों, यूएई ने दुबई में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस शहर में बहुत सारे स्काईस्क्रेपर्स का निर्माण करवाया, लेकिन दोस्तों सच कहें तो ये ऊंची-ऊंची इमारतें पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। 1970 तक दुबई में एक भी स्काईस्क्रेपर नहीं था और आज यहाँ 72 स्काईस्क्रेपर्स हैं। हांगकांग, न्यूयॉर्क जैसे शहरों के स्काईस्क्रेपर्स को विजन मॉडल बनाकर अरब अमीरात ने भी दुबई को स्काईस्क्रेपर से भर दिया, ये सोचे बिना कि क्या इस शहर को इतने स्काईस्क्रेपर्स की जरूरत भी है। हांगकांग के पास जमीन की कमी है, इसीलिए उसने वहां ये गगनचुंबी इमारतें बनवाई, लेकिन दुबई तो अपने शौक और स्टेटस के लिए ये बना रहा है। टूरिज्म के नाम पर बनाए गए ये स्काईस्क्रेपर्स बाहर से देखने पर तो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खोखले हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ही बात करें तो दुनिया की ये टॉलेस्ट बिल्डिंग एक दिखावे से ज्यादा और कुछ नहीं है। 1.6 बिलियन डॉलर्स में बनी इस बिल्डिंग की उम्र सिर्फ 100 साल है और हर साल इसकी मेंटेनेंस में जो अरबों रुपए का खर्च आएगा वो अलग। इस बिल्डिंग को बनाने में ग्लास और स्टील का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ, जो दुबई जैसे गर्म इलाके के लिए एक एनवायरमेंटल डिजास्टर से कम कुछ भी नहीं, क्योंकि ग्लास की बिल्डिंग होगी तो कूलिंग की भी ज्यादा जरूरत होगी और दुबई जैसी जगह पर ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। खैर, पर्यावरण के बारे में सोचता कौन है, लेकिन यूएई की सरकार ने तो अपने सिटीजन तक के बारे में नहीं सोचा। दरअसल एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी होने के बावजूद भी दुबई में आज तक प्रॉपर सीवेज सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सका। अगर सिटी के सीवेज सिस्टम की रोज सफाई न की जाए तो ये ओवरफ्लो होकर सड़कों पर भी आ सकता है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि बुर्ज खलीफा, जो दुबई की शान है और दुनिया भर के इंजीनियर्स के लिए एक नायाब मिसाल, इस बिल्डिंग से ही रोजाना 60 टन पूप बाहर निकलता है, जिसे ले जाने के लिए बिल्डिंग के बाहर हजारों पूप ट्रक खड़े रहते हैं। और ऐसा ही हाल सिटी के बाकी स्काईस्क्रेपर्स का भी है, क्योंकि यहाँ स्काईस्क्रेपर्स की एक्सटीरियर पर सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंटीरियर्स के लिए पैसा नहीं बचता। और क्योंकि आम लोग इन स्काईस्क्रेपर्स में घर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ के ज्यादातर स्काईस्क्रेपर्स खाली पड़े हैं। फेक आइलैंड। सिर्फ स्काईस्क्रेपर्स ही नहीं, दुनिया के मैनमेड आइलैंड्स भी फेक हैं। पिछले 20 सालों में दुबई ने 3 मैनमेड आइलैंड्स बनवाए हैं, पाम जुमेरा, देरा आइलैंड्स और पाम जबेल अली। और ये मैनमेड आइलैंड्स सोशल मीडिया पर कितने भी खूबसूरत क्यों ना नजर आए, लेकिन इन्हें बनाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा कुछ भी नहीं। दुबई के पाम जुमेरा आइलैंड की ही बात करें तो 2001 में ये बनना शुरू हुए थे, लेकिन 20 साल बाद आज 2021 में भी इन आइलैंड्स को बनाने का काम पूरा नहीं हो पाया है। 2009 में दुबई अपने इन्हीं बेवजह के प्रोजेक्ट्स की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरा था। पैसे की कमी की वजह से उस समय इन प्रोजेक्ट्स को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और यही वजह है कि इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स के बहुत सारे हिस्से आज भी अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं। देरा आइलैंड्स और पाम जबेल अली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये तो बिना सोचे समझे अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इन पर पैसा बहाया गया है, वो भी तब जब यूएई का रियल एस्टेट बिजनेस डूबा हुआ है और ये आइलैंड्स पूरी तरह खाली पड़े हैं। और एक और बात, इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने के लिए रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि शिप और टैंकर्स की मदद से समंदर की रेत को बाहर निकालकर ये आइलैंड्स बनाए गए हैं, जिसके लिए दुबई ने यहाँ की मरीन लाइफ को तबाह करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और अगर इन आइलैंड्स का कोई फायदा होता तो भी ठीक था, लेकिन नासा की माने तो दुबई के ये आइलैंड्स 0.20 इंच यानी कि 5 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से समंदर में सिकुड़ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले सालों में दुबई के ये फेक वेस्ट ऑफ मनी आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी अगर समंदर में समा गए
इससे कोई हैरानी नहीं होगी। अब आप ही बताइए, डूबते हुए आइलैंड्स पर पैसे खर्च करना कहां की समझदारी है? स्लेव सिटी। एक खूबसूरत और रिच अरेबिक कल्चर होने के बावजूद दुबई अपने कल्चर और हिस्ट्री को प्रमोट करने के बजाय अपना पैसा आर्टिफिशियल आइलैंड्स और बिल्डिंग पर खर्च कर रहा है, जबकि यूएई की आधे से ज्यादा जनता गरीबी में जी रही है। असल में दुबई में सिर्फ दो ही तरह के लोग रहते हैं, रिच और स्लेव। पहले हैं अमीर और दूसरे हैं गुलाम। दुबई की सिर्फ 11% पॉपुलेशन ही अमीराती है और बाकी की 89% पॉपुलेशन माइग्रेंट वर्कर्स की है, जिनमें से ज्यादातर वर्कर्स साउथ एशिया माने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से यहाँ लाए गए हैं। यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स को एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। अरब अमीरात की करेंसी साउथ एशियन कंट्रीज की करेंसी के मुकाबले काफी स्ट्रांग है और इसी का फायदा उठाकर एशियन कंट्रीज के वर्कर्स को यहाँ अच्छी सैलरी का झांसा देकर लाया जाता है। पर यहाँ आने के बाद वर्कर्स को पता चलता है कि दुबई के लाइफस्टाइल के मुकाबले उन्हें मिलने वाली सैलरी चिल्लर से ज्यादा और कुछ भी नहीं, जिसमें वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। वर्कर्स काम छोड़कर भागना जाए, इसके लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं। वैसे यूएई के कानून के मुताबिक वर्कर्स की सैलरी होल्ड करना या फिर उनका शोषण करना जुर्म है, लेकिन चूंकि ये माइग्रेंट वर्कर्स प्राइवेट स्पॉन्सरशिप सिस्टम के जरिए यहाँ लाए जाते हैं, तो यहाँ का सिस्टम भी इनसे पल्ला झाड़ लेता है। ब्लू कॉलर वर्कर्स को दुबई में स्लेव माना जाता है और इन्हें रोजाना 12 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। कई बार इन्हें हफ्ते की छुट्टी तक नहीं मिलती, और अगर वर्कर वापस अपने देश लौटना भी चाहे तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसका मालिक या फिर कंपनी उसे इजाजत ना दे दे, क्योंकि कंपनियां वर्कर्स के पासपोर्ट उनकी ज्वाइनिंग के दिन ही जब्त कर लेती हैं। दोस्तों, दुबई में 94 लाख से भी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेकिन ये आपको दुबई के आलिशान मॉल्स या फिर रेस्टोरेंट्स के बाहर नजर नहीं आएंगे। ये लोग दुबई के स्लम एरियाज में रहते हैं, जहां किचन जितने छोटे छोटे कमरों में भी 8-8 लोग एक साथ रहने को मजबूर हैं। और ये हालत तब है जब दुबई की ज्यादातर बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं। यहाँ महिला वर्कर्स के साथ तो पुरुषों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार होता है। एक अच्छे फ्यूचर की तलाश में यहाँ आई महिलाओं को घरों में 24 घंटे काम करने पर मजबूर किया जाता है। कई केसेस में तो महिला वर्कर्स को जबरन प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की रिपोर्टें भी सामने आ चुकी हैं। UNHRC ने खुद अपनी रिपोर्ट में कई बार घरों में नौकरों के शोषण की बात कही है। यहाँ के लोग टूरिस्ट से बदतमीजी करते या फिर झगड़ा करते शायद ही कभी नजर आए, लेकिन वर्कर्स के साथ इनका व्यवहार बहुत बुरा होता है। दोस्तों, दुबई दुनिया के उन देशों में भी शामिल है जहाँ खाना सबसे ज्यादा वेस्ट किया जाता है। ये आलम तब है जब यहाँ कुछ नहीं उगता और यहाँ रोजाना 38% खाना बर्बाद होता है। यही नहीं, रमजान के दिनों में ये फूड वेस्टेज 60% तक पहुँच जाती है। पर ये सब यहाँ आने वाले टूरिस्ट को नजर नहीं आता, क्योंकि उनके सामने तो दुबई की एक बनावटी तस्वीर पेश की जाती है, जिसमें एयरपोर्ट से निकलते ही लग्जरी गाड़ियां, लंबरगिनी में पेट्रोलिंग करती पुलिस, गुची, जारा और अरमानी के शोरूम और बुर्ज खलीफा जैसे होटल ही नजर आते हैं। पर यहाँ घूमने वाले यात्री ये भूल जाते हैं कि बुर्ज खलीफा अपने आप तो बना नहीं होगा, या फिर यहाँ के ये आलिशान मॉल्स और होटल्स को बनाने वाले रोबोट्स तो नहीं है। और दोस्तों, दुबई के इस बनावटीपन का सबसे बड़ा सबूत यही है, यहाँ होने वाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन जैसे बिजनेसेस में बढ़ोतरी। वैसे तो यूएई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, लेकिन टूरिस्ट को खुश करने के लिए यहाँ के होटल और बार्स खुलकर प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देते हैं। द संडे मॉर्निंग हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में 30,000 से भी ज्यादा एक्टिव प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर को जबरन इस बिजनेस में डाला गया है। एडल्ट्स के अलावा माइनर्स भी यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है, पर इनके बारे में आपको यहाँ ना तो अखबारों में पता चलेगा और ना ही कभी न्यूज चैनल्स में सुनने को मिलेगा। और वो इसलिए क्योंकि यूएई में फ्री प्रेस नहीं है। यूएई के कानून के मुताबिक यहाँ की प्रेस कभी भी रॉयल फैमिली या फिर सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती और ना ही उनके फैसलों पर उंगली उठा सकती है। इसीलिए दोस्तों, दुबई के स्काईस्क्रेपर्स, मॉल, बिल्डिंग्स सब कुछ टॉप क्लास हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों की लाइफ टॉप क्लास नहीं है। और ये शहर इंसान की कामयाबी का कोई सबूत नहीं, बल्कि उसकी बेतहाशा बढ़ती भूख का मानवता पर एक ऐसा काला धब्बा है जिस पर आने वाले वक्त में इतिहास मेहरबान होगा, ऐसा लगता नहीं। दोस्तों, दुबई की इस डार्क साइड पर आपकी क्या राय है, जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।